देखिए, जैसी ये घटना पता चला, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने तत्काल ट्वीट किया, इस बात का संज्ञान लिया और मुझे तुरंत कहा कि आप कासगंज निकल जाओ, उस परिवार के साथ दुख में शरीक होने के लिए निकल जाओ और असलियत क्या है ये ला के बताया जाए। और आधा क्या आप लोगों के जरिए ही 75% से 80% चीज़ें जो गलत हुई हैं प्रशासन की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो पूरे प्रदेश और देश को पता चल ही चुका है। इसलिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने साफ तौर से कहा है कि उच्च स्तरीय मांग हमने किया है इसमें जांच को और आर्थिक मदद इस परिवार को हो, क्योंकि आप सब ने देख रहा कि किस तरह से गरीबी की रेखा के नीचे भी ये परिवार है और एकमात्र वही लड़का था जो इस घर का चिराग था, जिसके रोजी से ये परिवार चलता था। माँ बाप का क्या हाल है, मैं बस आप लोगों के सामने इतना ही बयान कर सकता हूँ कि इस दुनिया में, इस पूरे दुनिया में अगर सबसे बड़ा दुख कोई है तो बेटे का जनाजा बाप के कंधे पे निकलना ही है। इससे बड़ा दुख इस संसार में है ही नहीं कोई। वो दुख है, हालात में मौत हो जाती है तो मतलब कैसे, मतलब क्या कानून? देखिए, आज इस परिवार को लेकर आपने बात की, मैंने इस परिवार पे जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी पे आप सवाल पूछ रहे हैं तो आप सबको पता है कि इस 3 सालों में 23 मौतें पुलिस हिरासत में हो चुकी हैं। ये योगी आदित्यनाथ जी जो चीफ मिनिस्टर साहब हमारे हवाला देते हैं कानून व्यवस्था का, पुलिस हिरासत में 23 मौतें, 2021 में ही सिर्फ 8 मौतें अब तक हो चुकी हैं। मैं माननीय अमित शाह जी जो आज बनारस के दौरे पर आए हुए हैं, वो जो दूरबीन लेके ढूंढते हैं माफियाओं को, मैं कहता हूँ दूरबीन से देखने की जरूरत नहीं है आपको, आप खुले आंखों से देखें। आपके नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने जिस शख्स को यहाँ का चीफ मिनिस्टर बना के योगी आदित्यनाथ जी के भेजा यहाँ पे, आज देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश की सर जमी पे लाशें ही लाशें नजर आएंगी। मैं माननीय अमित शाह जी से पूछता हूँ कि आप पता करें इस उत्तर प्रदेश की सर जमी पे कहाँ शमशान है और कहाँ कब्रिस्तान है, क्योंकि शमशान और कब्रिस्तान दोनों ही खेमे में मैं देख सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सर जमी इस वक्त लाशों के ढेर पे टिकी हुई है। चाहे कोरोना काल में आपने देखा किस तरह से लाशें थी, उस वक्त भी कोई नहीं बता पा रहा था। मैं भारतीय जनता पार्टी से भी और समाजवादी पार्टी से पूछता हूँ, अब कर लो जातिवाद की राजनीति। इन लाशों पे जो 23 मौतें हुई हैं, पता कर लो अब कौन सी जात है। इसलिए हम कहते हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी साफ तौर से कहती है कि सिर्फ 3 महीना और उत्तर प्रदेश की जनता सब्र कर ले, इंशाअल्लाह ताला उनके आने के बाद आप सबको पता है, उत्तर प्रदेश के बच्चे बच्चे को पता है कि कानून व्यवस्था तभी दुरुस्त हो सकता है जब कानून द्वारा कानून का राज स्थापित हो सकता है। इसलिए वो बहुजन समाज पार्टी ही सिर्फ कर सकता है। मैं बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।